छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत होने वाले कार्य में फर्जीवाड़ा करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपों की माने तो बिना काम हुए ही फर्जी मास्टर रोल बनाकर सरकारी पैसा हड़पने का काम किया गया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को की। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया। शिकायत के बाद एक टीम का गठन किया गया। टीम ने वास्तविकता को सामने लाने के लिए कार्य भी करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के ग्राम हनईबन में फर्जी मास्टर रोल से राशि निकाले जाने का मामला प्रकाश में आया है। शिकायत के बाद जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने शिकायतकर्ता और ग्राम प्रतिनिधियों का बयान भी लिख लिया है। जांच दल ने बयान दर्ज कर प्रतिवेदन जनपद CEO छुई खदान को सौंपने की भी बात की है। ग्राम हनईबन के वासियों ने लगभग 5 माह पहले रोजगार सहायिका के द्वारा फर्जी मास्टर रोल भरकर राशि निकालने व जॉब कार्ड बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से 200-200 रुपए मांगे जाने की लिखित शिकायत CEO से की थी, जिसके चलते अधिकारियों की जांच टीम मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों और रोजगार सहायिका का बयान दर्ज कर प्रतिवेदन CEO को दिया गया। वहीं आगे की कार्यवाही CEO द्वारा किए जाने की बात कही जा रही है। गंडाई से संवाददाता राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। किस मामले को लेकर है सर? मनरेगा के तहत परितीन नार तालाब में फर्जी हाजिरी के संबंध में और जॉब कार्ड में नाम जुड़वाने के संबंध में 200-200 रुपये की मांग के संबंध में। जी, तो आप जांच करने आए? जी सर। तो शिकायतकर्ताओं को भी बुलाए होंगे? बुलाए हैं, पूरे आए हैं सर। तो उनका बयान हो रहा है? बयान हो रहा है। क्या है इसमें, कुछ बताइएगा? और आगे क्या बताऊँ सर? जाँच में क्या कमी पाई गई? क्या इनका कथन सत्य है? अभी तक जो आप जांच कर रहे हैं, अभी तक आप जो कर रहे हैं, जो लोगों का कथन है जैसे शिकायतकर्ता का, उनकी कथन के अनुसार, मतलब आपको क्या लग रहा है? नहीं सर, मैं बयान लूंगा इन लोगों का, प्रतिवेदन बनाकर जनपद में जमा करूंगा। अब जो आगे की कार्रवाई, मतलब वही करेंगे, आगे की कार्रवाई जनपद से होगी सर। ठीक है, नाम और पद बता देंगे? मेरा नाम है अशोक कोसरे, सहायक करोड़ पदाधिकारी जनपद पंचायत छिंदवाड़ा। आज ग्राम पंचायत हनीबन में रोजगार सहायिका की शिकायत आप लोगों ने किया है, जिसके लिए जांच अधिकारी आए हैं। आप लोगों की जो शिकायत है वो क्या है? सर, ये शिकायत जॉब कार्ड में प्रति व्यक्ति से 200-200 रुपए लेने के लिए बोल रही थी, और लास्ट हफ्ते जो अभी गोदी चला है उसमें 6 दिन का जो, उसमें 2 दिन काम किए, उसमें 4 दिन का एक्स्ट्रा है। 2 दिन काम किया, 4 दिन का एक्स्ट्रा क्या है, थोड़ा साफ बताओ ना। लास्ट में काम सर 2 दिन ही चला है, लास्ट हफ्ते में उसमें 6-6 हाजिरी डला हुआ है। चलने दो उसका कुछ नहीं। हाँ, 2 दिन काम चला है, 4 दिन काम नहीं चला। 4 दिन काम नहीं चला, मात्र 2 ही दिन ही चला काम। अच्छा, 6 हाजिरी ही डला है। तो 2 दिन की हाजिरी भरी गई है या 6 दिन की भरी गई है? 4 दिन की हाजिरी भरी गई, एक्स्ट्रा हाजिरी, एक्स्ट्रा 4 दिन रोजगार सहायिका के द्वारा जी सर भरा गया है। काम 6 दिन में सिर्फ 2 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, 4 दिन ही उन्होंने एक्स्ट्रा अपने तरफ से वो कर दिया, हाँ, कर दिया। मतलब ये बोला जाए कि सीधे 4 दिन का पैसा गबन किया जा रहा है रोजगार सहायिका के द्वारा, ये आप लोगों की शिकायत है जी सर। और आपका कहना ये है कि 200-200 रुपए की जो मांग हुई उसके बारे में क्या है? और सर यहाँ पे जिसे बात हुआ है तो बोले कि इंजीनियर के लिए मैं 200-200 रुपए भर रहा हूँ। किसने बोली ये बात? रोजगार साहब बोले हैं। रोजगार सहायक की रोजगार सहायिका, रोजगार सहायिका बोले हैं कि 200 रुपया वो जो इंजीनियर के लिए लगते हैं भरों करके पूरा बात किए हैं, वो जो कार्ड बनाने का, कार्ड बनाने का 200 रुपया और इंजीनियर को दिया जाएगा, हाजिरी डाला है। अच्छा, एक्स्ट्रा हाजिरी डाला है उसको इंजीनियर के लिए बोले गए हैं। CEO को दूंगा, तू ही आ जा सामने। और कोई है? जॉब कार्ड जुड़ाने के लिए मेरे से 200 रुपए लिया गया है रोजगार सहायक। सहायक की सहायिका, सहायिका, हाँ, महिला पुरुष में अंतर होता है। इंद्रजीत साहू, हनीबन। आपका नाम क्या है, थोड़ा नाम बताओ अपना आगे। उत्तम साहू। गांव? हनीबन। हेमराज साहू, ग्राम हनीबन। ठीक, ओके। आप हनईबन ग्राम की रोजगार सहायिका हैं, आपके खिलाफ आज यहाँ पे जांच कमेटी बैठी है, जांच अधिकारी आए हैं, और आपके गांव के लोगों ने आपके खिलाफ शिकायत किया है कि रोजगार सहायिका के द्वारा जो 6 दिन काम होना था मात्र 2 दिन हुआ है, 4 दिन की
फर्जी रजिस्टर को आपने भरा, असेंडेंस जो लोगों की है उसको फर्जी भरा गया है। इनका कहना यह कि कार्ड बनाने का काम पे आने के लिए 200-200 रुपए की इनसे आपने डिमांड किया, जो आपने ये कहा कि ये इंजीनियर को दिया जाएगा या सीईओ को दिया जाएगा, जो भी बात हो, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर, वो हाजिरी वाला जो है ना, जो फर्जी हाजिरी भरे ना, उसमें क्या पैसा? मैं किसी से 200 रुपए नहीं ली हूँ, मैं किसी से मांगी नहीं हूँ। और जो हाजिरी बोल रहे हैं वो 6 दिन का मस्टोन निकला था, उसमें 4 दिन काम चला है, 4 दिन काम हुआ है और ये लोग गए भी हैं, और कोई नया व्यक्ति नहीं थे, कार्यरत व्यक्ति थे जो पिछला कार्य कर चुके थे उन लोग, और 3 व्यक्ति ऐसे थे जिसका मस्टोन नहीं निकला था। तो लॉकडाउन की स्थिति में मेरे को मस्टोन निकालने में दिक्कत जा रही थी, तो उनसे पूछा गया कि आपका 2 दिन बचा हुआ भुगतान है, उसको दूसरे के में कर सकते हैं क्या? तो उन लोग हाँ बोले, और उसी 2 दिन बचे हुए मस्टोन के हाजिरी को जो आपके मास्टर रोल को तो इन लोग फर्जी बता रहे हैं कि 4 दिन फर्जी भरे हैं। उनके हाजिरी में मैं भरी हूँ, है ना, और ये आप जांच पड़ताल कर लीजिएगा, उनका नगद भुगतान हो गया है, ठीक है सर? जिनका हाजिरी छूटा था उनका नगद भुगतान भी हो गया है, और ये बात सभी जानते हैं कि उनका 2 दिन का मस्टोर छूटा हुआ था, मेट लोग भी जानते हैं। 200 रुपए ली जो बातें हैं, किसी से नहीं ली हूँ सर, प्रूफ करें मेरे को कि मैंने आपके हाथ में दिया था। आपके सामने तो ये लड़के बोल रहे थे कि आपके हाथ में 200 रुपए दिए इन्होंने। प्रूफ करें सर, प्रूफ कैसे होगा? गवाह सर, भाई देने वाला तो बता रहे हैं। कब दिए, कहाँ दिए और कैसे दिए, किसके सामने दिए, प्रूफ कर दे सर मेरे को, फिर मैं मान लूंगी। सर एक और बात पूछूं? चलिए, आप अपना नाम बताइए और पद बताइए। वाइफ आप डेढ़ा राम साहू, ग्राम पंचायत है नहीं, पद बताइए, रोजगार सहायिका के पद। ओके, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.